लड़कियों, एंडी ने वास्तव में क्या सोचा होगा? कोई सुराग नहीं। अरे वाह, अरे वाह, जरूर दिलचस्प लग रहा है, कोई मजाक नहीं। अच्छा, क्या हम शुरू करें? ओह, यह टूट गया। हाँ, मैं लिप ग्लॉस ले लेती हूँ। हाँ, ये ठीक है। मुझे जल्दी करनी होगी। और यहाँ पर भी। रुको, चलो सबका काम देखते हैं। अच्छा है सुजी। हाँ, वाओ, कैट। हाँ, कैट ही विजेता है। हाय सुजी, उदास मत हो, ये लो, तुम मेरा ले लो। अरे वाह, धन्यवाद। नहीं नहीं, उधर रुको, तुमने सौंदर्य प्रसाधन नहीं जीता, बल्कि एक मेकओवर। यहाँ आ गया दो मैम, और यहाँ कुछ और रंग, और थोड़ा ब्लश तो जरूरी है। हो गया, बहुत सुंदर। वाह, क्या पुरस्कार है। एक नजर डालो, तुम सब क्यों हंस रहे हो? हे भगवान, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ, या क्या किया एंडी? देवियों, वाह, शुरू हो जाओ। ठीक है, ध्यान से आप। पता नहीं मैं क्या बनाऊं। मेरे बालों में रंग लग गए, अब यह पीले हैं। मुझे यह पसंद है। मैं सिर्फ टिप्स को रंग दूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा ही करना चाहती थी। तुम्हें पता है, मैं जीतने की बजाय कुछ मजा करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं दूसरी तरफ गुलाबी रंग कर देती हूँ, बहुत प्यारा। मैं वास्तव में बोतल की गहराई को दिखाना चाहती हूँ। समय खत्म हो गया। अरे नहीं, मैंने पूरा नहीं किया। हाँ, मैं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे गुलाबी बाल मिले, यह वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर से स्विच करें, पिछली बार की तरह। क्या आपको यकीन है? तुम बहुत अच्छी हो। मोनिका, यह क्या है? ठीक है सुजी, बहुत अच्छा। और अब बहुत सारा हेयर स्प्रे। लगभग पूरा, बहुत प्यारा। वाह, बस वाह। शोश, इस बार तुमने मेरे साथ क्या किया है? आह, क्या यह बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। यह अब आपका रूप है, देखे। मैं यहाँ हूँ। ओह, क्या सुंदर गहने। वाओ, चलो, मुझे लगता है कि मैं इसे ट्रेस करूंगी। इस तरह से मैं असफल नहीं हो सकती, किसी ने नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती।
ठीक है, और क्या है? यह बहुत अच्छा चल रहा है। मार कर बंद करो, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया। मैंने अपने आप को बनाया है, मेरी जीत के बाद बेशक। कुछ स्क्रिबल्स दिलचस्प। ओह, और यहाँ विजेता है कैट, अच्छे में सबसे अच्छा। यह ठीक नहीं है, आज मेरे बारे में यह सब होना चाहिए, क्या यह नहीं है? ओह कैट, हम क्यों नहीं? नहीं, कैसी असिस्ट, यह बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन यह तुम्हारे कपड़ों से मैच नहीं करते। मैं बहुत खुश हूँ, वे मुझ पर बहुत बेहतर लगेंगे। मुझे पीला प्यारा है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? मेरी गर्दन में इतनी खुजली क्यों हो रही है? यही तुम्हें मिला है। यह क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। जीतना स्पष्ट रूप से खतरनाक है। अरे यार, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। एक क्षण रुको, इसे करो। ओ, मैं तुम्हें खा रही हूँ। वाह, इन सबको देखो। थोड़ा और अच्छे से, और छाया। ठीक है लड़कियों, अपनी पेंटिंग पेश करो अब। ये सभी असली कलाकृतियां हैं। फिर कोई चारा नहीं है। इस बार आप सभी विजेता हैं। आप में से प्रत्येक के लिए एक प्लेट। क्या मैं थोड़ा? नहीं, उफ। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी उदाहरण के लिए इस बार क्या होगा। एंडी ने कहा कि हम सभी इसे लेना चाहेंगे। मैं वापस आ गया हूँ, कोई हाल में नहीं। सच में एक नया आईफोन? शुरू करें? हम किससे पेंट करें? आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, उंगलियों से पेंट करने का समय। मुझे फिर से एक बच्चे की तरह लग रहा है। यह बहुत मजेदार है, और एक साथ आ रहा है, वो फोन मेरा है, तुम्हारे सपनों में। आईफोन, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना कठिन प्रयास कभी नहीं किया है। वो लोग कैसा कर रहे हैं? मजे लेने का समय है। क्या तुम इसे उठा सकती हो? मेरे हाथ इतने गंदे हैं। हाँ, जरूर। मैं उसकी पेंटिंग को ठीक करती हूँ। या क्या किया सुजी? क्या मैंने कुछ नहीं किया? मेरी पेंटिंग बर्बाद हो गई है। केट, अभी भी एक समस्या है। वह क्या है? देखो उधर, क्या है? बैम। मैं सिर्फ पेंटिंग कर रही हूँ। समय समाप्त, मुझे अपना काम दिखाओ। अजीब, यहाँ सब अच्छा। मुझे लगता है किसी ने इन दो तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ किया है। मुझे जांच कराने की जरूरत है, और ये छाप मिल जाए तो। थोड़ा भी नहीं, लेकिन इस तरह से आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मैं इसे किसको दूं? केट,
नहीं नहीं मोनिका, अरे वाह धन्यवाद। अच्छा आईफोन, तुम्हारी टी शर्ट जैसी ही जगह से। एंडी कौन तैयार है? दिलचस्प, सबने ध्यान से देख लिया तो फिर पेंट करो, और मैं अपने तरीके से थोड़ी प्रेरणा दूंगा। यह क्या? ओ मोनिका, और अंत में नहीं, मेरा मेकअप। सबने पूरा कर लिया? चलो देखें। ये अच्छा नहीं है, सूजी का सबसे अच्छा लग रहा है। अपना पुरस्कार ले लो। वो तो मैं लूंगी ही, चीजें और मजेदार होने वाली हैं। उस पर डालो सूजी, मेरा भी ले लो। ओ एंडी, नहीं नहीं मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, वो हम देख लेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? अगले दौर की ओर चलते हुए। वाह क्या पुरस्कार है। OMG, मुझे वह दो। नहीं यह मेरा है, मुझे पीला चाहिए, मुझे इसकी अधिक आवश्यकता है। यह भी एक चुनौती है। नौका, बंगला, मुकुट और भी बहुत कुछ, मैं जल्दी ही ले सकती हूँ। रुको, सूजी। हाँ, अरे नहीं, मैं अपने दिवा स्वप्न में खो गई थी। अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर हमारा पैसा जाता है मोनिका के पास। अब मैं अंत में कुछ भी खरीद सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। नमस्ते लड़कियों, क्या आपने एंडी को देखा है? मैं बैंक में काम करता हूँ और उसने अपने कार्ड पर काफी कर्ज उठाया था। मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ चीजें ले रहा हूँ। रुको, क्या? हाँ, और ये पेंसिल भी, और वह भी। कम से कम ड्राइंग का सामान तो छोड़ दो, और आपकी बालियां भी मिस। ओह एंडी, इन्हें सौंप दो, यह वास्तव में आवश्यक है। और तुम्हारा? लेकिन वे मेरे पसंदीदा हैं। ठीक है, रुको, मैं लगभग भूल गया था, यह कार्ड अब बेकार है, इसे उसने जीता था, इसे एंडी को लौटा दो। अलविदा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, उसने मुझे नहीं देखा। मुझे लगता है मेरे लिए कोई नौका नहीं। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ओह, क्या तुमने कोई विश किया? बैठो दोस्तों, चलो केक खाते हैं। आज के इन सभी चित्रों को देखो। वाव,
एंडी को चेहरे को देखो, और मेरा भी इतना मजेदार। सोजी, और फिर एंडी ने छिपने की कोशिश की। हाँ, मैं बहुत डर गया था, इतने सारे मुस्कुराहट। तुम लोग सही कह रहे हो, ऐसी मजेदार यादें और महान प्रस्तुत भी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। चलिए बोरियत की दुनिया से निकलकर चुनौतियों की दुनिया में घुसते हैं। What? वो जेस के हाथ में क्या है? दोस्तों, नियम बहुत ही आसान है, जो सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएगा उसे वो चीज मिल जाएगी। लिली पूरी कोशिश कर रही है, वो एकदम तेजी से अपनी ड्राइंग बना रही है, इतना तेज कि उसका कागज ही जलने लगा। अरे ध्यान से यार, वरना फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ जाएगा। जैक को भी चुनौती में भाग लेना है, लेकिन पेंसिल उठाना तो एक मुश्किल कार्य है अभी। और एमा ने तो अपना ही तरीका अपनाया है। जब तक कि बाकी दोनों अपनी कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो कुछ बना रही है। देखेंगे उसने क्या किया है। ओके। वाह, लिली की ड्राइंग तो बहुत बढ़िया निकली। जैक या तो थोड़े पुराने जमाने का फोन हो गया, लेकिन एमा ने अच्छा किया है, यह एक फोन का डब्बा है। लेकिन विजेता है लिली, पुरस्कार जाएगा उसको। लेकिन लिली चीजों को पकड़ने में उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें ड्राइंग के अलावा भी कुछ चीज सीखने होंगे लिली, समझी? अब आइए अगले दौर की शुरुआत करते हैं। ओह, एक सूटकेस, दिलचस्प। और इसके अंदर है, आपको विश्वास ही नहीं होगा, असली सोने के टुकड़े। अपने आंखों का ध्यान रखना प्रतियोगियों, अब यह बेहतर है। इस दौर में तुम ड्राइंग बनानी होगी आंखें बंद करके। अपने ब्रश उठाओ और शुरू हो जाओ। देखो कितने खुशी खुशी बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़े गंदे तो हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये याद रखिएगा कि हर कलाकार का अपना तरीका होता है। लेकिन इस वक्त जैक स्पष्ट रूप से चीटिंग कर रहा है, यह सही नहीं है, उसने ड्राइंग्स बदल दिए। और जैस ने देखा तक नहीं। चलिए देखते हैं कि जीत किसकी होगी, चालाक जैक की। हाँ, इस बार फैसला लेना मुश्किल नहीं है, बेशक जैक है विजेता। क्या आप उसके लिए खुश हैं? उसे सोना लेने दो। लेकिन वो मिलने के बाद तो एकदम ही बदल गया है, वो तो एक असली अमीर आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ है एक सरप्राइज, क्या है उसके नीचे? छी, जैस, क्या यह सच में उन्हें बनाना होगा? कोई भी वो ड्रॉ नहीं करना चाहता है। लड़कियों ने तुरंत रंगीन पेंसिल्स उठा लिए, और जैक के लिए है सिर्फ भूरे रंग का पेंसिल। और जैस भी शरारत कर रही है, उसके सिर पर टॉयलेट पेपर फेंक कर, और उस सिर्फ उसके ही सिर पर नहीं बल्कि बाकी दोनों के भी। तो लगता है कि यह कोई गलती नहीं बल्कि चुनौती को और दिलचस्प और मजेदार बनाने के लिए है। और देखो, लग रहा है कि जैक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन जीतेगा। लिली, साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने कोशिश भी नहीं की है। हाँ एमा, बहुत प्यारे फूल हैं। और जैक की ड्राइंग काफी सही दिख रही है, तो सबको समझ आ गया है कि पुरस्कार किसको जाएगा। ओ जैक, पकड़ो। जैक तो एकदम से भयभीत हो गया है, और लड़कियां भी। शांत हो जाओ सब लोग, वो बस एक खिलौना है। ओह, क्या आपको स्किटल्स पसंद है? हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है, और यह और भी मजेदार होता जब बहुत सारा हो। और इस दौर में भी एक कार्य एक ही है, ड्राइंग बनाओ और पुरस्कार पाओ। शुरू हो जाओ।
एमा ने तो इस कैंडी को बनाने का बहुत अच्छा तरीका सोचा। जैक इससे बहुत प्रभावित है। और लिली ने एक आसान लेकिन अच्छा तरीका अपनाया। उसने बिना कोई ब्रश के अपनी उंगलियों से अपना चित्र बनाया। तो चलिए क्या हम सब देखें कि सबने कैसा बनाया है। लगता है कि सारे ड्राइंग्स एक पुरस्कार के लायक हैं। तो फिर सबको मिलना ही चाहिए। वाह, जैस कोई मजाक नहीं कर रही है। यह तो कमाल है। बहुत अच्छी बात है कि इतना सारा कैंडी है। निश्चित रूप से सबके लिए काफी है। आइए देखते हैं कि इस दौर में क्या होगा। क्या पहुंचा है इधर? वाह, बहुत सारा पॉपकॉर्न। चलो इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करो। लेकिन हमेशा की तरह जैस को थोड़ी शरारत करने का मन है। देखो वो पॉपकॉर्न की बारिश सच में परेशान कर रही है ना? अभी चित्र बनाना कठिन हो गया है। जैक ने फैसला लिया है कि बिना मतलब के मेहनत करने के बजाय खा ही लेना चाहिए। एमा को बस शांति से वो बनाना है जो उसने सोचा है। उस छाते से उसकी बहुत मदद हुई और एमा ने एक शानदार ड्राइंग बनाया। कितना बढ़िया है लिली, ये तुमने क्या किया है? बिल्कुल भी जैसे होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है। और जैक ने तो कुछ नहीं बनाया है। एमा बधाई हो, इस जीत की तुम लायक हो। अब बहुत सारा पॉपकॉर्न खाओ। लेकिन क्योंकि तुम लालची नहीं हो इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये तीन दोस्तों ने साथ में सोचा कि क्यों ना वो भी थोड़ा मजा ले, इसलिए उन्होंने जैस के ऊपर पॉपकॉर्न फेंका। तो इस दौर में क्या होगा? ओह, यह देखो एक ब्रांडेड पर्स है। What? और लगता है कि लिली को ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक है। बाकी दोनों को ऐसा नहीं लगता है। लिली अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन तभी भी उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाई। और दूसरी ओर है जैक, जिसने कोशिश तक नहीं की लेकिन बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाया। लेकिन कैसे? लेकिन लिली को यह बैग सच में चाहिए और वह यह लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या उसकी यह चाल का काम कर जाएगी? अपने ड्राइंग्स दिखाओ दोस्तों। लिली, शायद चाल चलने के बजाय तुम्हें अगली बार से अपने ड्राइंग पर ध्यान देना चाहिए था। जैक की ड्राइंग तो अद्भुत है। अरे दोस्तों, बिना मतलब की लड़ाई से किसी का कुछ भला नहीं होगा। और एमा ने कचरे के डब्बे से निकाला वही बैग जो अब बहुत गंदा हो गया है। लेकिन लिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया है। देखो कितनी खुश है वो। इस आखिर दौर में क्या है? एक लाल मिर्च, इतना क्यों डर रहे हो? इस दौर में भाग नहीं लेना। लेकिन यह नहीं कर सकते हैं, ड्राइंग तो बनाना ही होगा। What? जैक को बहुत घबराहट हो रही है। लड़कियों ने तो ड्राइंग बनाना शुरू भी कर दिया। लेकिन लगता है कि जैक के पास एक योजना है। देखते हैं। ओ, उसने गलती से अपने कागज पर पानी गिरा दिया। कितना बुरा हुआ। लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं रही बल्कि जादुई निकली। तो जैक, तुमने बहुत बढ़िया किया। इस मिर्च को कौन खाएगा? जवाब तो सबको पता होगा। बाकी दोनों के ड्राइंग तो जैक के ड्राइंग के सामने कुछ नहीं है।
अब तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है? उसने मिर्च का एक बाइट लिया और रिएक्शन तो पता ही था कि ऐसा ही होगा। बहुत ही तीखी मिर्च थी। ओह, और उसने तो पेंट वाली पानी पी ली। छी, बहुत बुरा हुआ। बेचारा जैक। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक कोका कोला फवारा, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? वह? अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है, एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है। यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। कितनी बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। हाँ, तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है। और तुम सबको इसे अपने कागज पर उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होऊंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ? हाँ, अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया। मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वह नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होऊंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। भयानक गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो
ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा। मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वो बहुत आसान था। अच्छा ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली। खैर तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ। तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है, धन्यवाद। हाँ? यार तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया, बस हो गया, सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ, मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरे बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम यह गलत कह रही हो, तुम्हारा तरीका अनोखा है, बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। ओ, और यह सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है दोस्त।